नमस्कार, आप दे रहे नीट अमित इंडिया में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज, स्वामी चिमन्नन को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिमन्नन को ब्लैकमेल करने की आरोपी के रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ये आदेश न्यायमूर्ति एसजी सिंह ने दिया। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि करण जैन, राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता एस के पाल व चिमन्नन के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बहस की। सर, ये बताएं कि आज पूरा मामला क्या हुआ और आज सुनवाई थी और पीड़िता की जमानत याचिका पर किस आधार पर जो है उसकी जमानत की अर्जी को मंजूर किया कोर्ट ने और एक लाइन में। ठीक है सर, किस आधार पर जो है पीड़िता को जमानत कोर्ट ने दी है और किस कोर्ट से बात मिली, पूरा क्या मामला रहा आज? देखिए, आज जो शाहजहानपुर वाला इंसिडेंट है उसकी पीड़िता की बेल एप्लीकेशन सुनवाई के लिए नियत थी और बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के समय राज्य सरकार द्वारा अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके उपरांत पीड़िता की तरफ से हम लोगों द्वारा ये बहस की गई कि पीड़िता ढाई माह से जेल में है इस अपराध के अंतर्गत और जो अपराध पीड़िता के ऊपर लगाए गए हैं वो ज़्यादातर जमानती हैं, तो जो बेलेबल ऑफेंसेज हैं उनमें पीड़िता को बेल मिलनी चाहिए। मात्र एक ऑफेंस जो आईटी एक्ट का था जिसकी सज़ा 5 साल है वो बेलेबल नहीं था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए व इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट लग चुकी है, पीड़िता स्वयं एक रेप के मुकदमे की पीड़िता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उचित समझा कि पीड़िता को बेल पर रिहा कर दिया जाए। ये माननीय न्यायमूर्ति एस डी सिंह साहब की कोर्ट में सुनवाई की गई थी। तो अब पीड़िता रिहा हो जाएगी? जी जी, आदेश ओपन कोर्ट में पास किया गया है, अभी आदेश की प्रति हम लोग को नहीं मिली है, जैसे ही प्रति मिलती है मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। ग्राउंड वही था, देखिए जो ग्राउंड बेल एप्लीकेशन में दिए गए थे उन ग्राउंड में मेनली ये ग्राउंड था कि चार्जशीट अब लग चुकी है, 4/11 को चार्जशीट लग चुकी है, कोई और विवेचना संपादित करानी शेष नहीं रह गई है, तो जो पर्पज़ है पीड़िता की जेल में रहने का वो कोई पर्पज़ ही नहीं है इस समय। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट लग चुकी है, 2-2.5 महीना पीड़िता को जेल में हो चुका है, ऑफेंसेस की नेचर बेलेबल है, ये सब चीज़ देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पीड़िता को बेल पर रिहा किया। दूसरा मामला भी था जो डिविजन बेंच मॉनिटरिंग कर रही थी, उस मामले में भी कोई सुनवाई हुई है? देखिए, उसमें सुनवाई की गई है और उसमें एसआईटी को एक और एफिडेविट कंप्लायंस का फाइल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। जो पीड़िता ने अपनी दिल्ली में तहरीर दी थी लोधी रोड पुलिस स्टेशन पर, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है कि एसआईटी ने क्या क्या विवेचना की है और उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए थे उन पर क्या क्या एविडेंस इकट्ठी करी है, इसका जवाब एसआईटी से मांगा गया है जो वो अगले बुधवार तक दाखिल करेंगे। किस कोर्ट में ये सुनवाई? देखिए, ये रिट पिटीशन की सुनवाई डिवीजन बेंच के सामने चल रही है जिसमें माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र साहब बैठे हैं, उनकी बेंच के आगे सुनवाई चल रही है।